नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी पूरी वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, एलपीजी गैस कनेक्शन हर भारतीय के घर के अंदर मिल जाता है, चाहे वो एचपी गैस का हो, चाहे वो भारत गैस का हो, चाहे वो इंडियन गैस का हो, किसी न किसी गैस एजेंसी का, किसी न किसी कंपनी का, हर भारतीय के घर के अंदर एलपीजी का कनेक्शन है वो मिल जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो एलपीजी गैस कनेक्शन है इनका एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट आप किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट बनाना रहेगा, वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखेंगे, वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिस तरह से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका जो एलपीजी गैस का सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, एलपीजी गैस सर्टिफिकेट का ये जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली myLPG.in पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको भारत गैस, एचपी गैस, इंडियन गैस के सिलेंडर देखने को मिल जाता है। जिस भी गैस कनेक्शन आपके घर पे अवेलेबल है उस सिलेंडर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप उस सिलेंडर का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एचपी गैस को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन टेक ऑनलाइन ई इंटीग्रेटिव प्लेज, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पे अगर आप एक सिटीजन के रूप में हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप एक नागरिक है तो आपको यहाँ पे एक नागरिक के रूप में है इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कुछ एक अपनी डिटेल है वो सबमिट करनी रहेगी। सबसे पहले तो आपका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। नाम को एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग आपका जो भी सरनेम है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर, मास्टर, जो भी आप है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो पूरा नाम है आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आप सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने बाद में नीचे आपके पहचान आईडी के रूप के अंदर कोई भी एक आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन है वो मिल जाता है, वोटर आईडी का ऑप्शन मिल जाता है, पासपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ओदर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। अगर पासपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड को एंटर करना चाहते हैं तो ओदर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आधार नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका जो एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद में आपके स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने बाद में आपको यहाँ पे भाषा के चयन के लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्शन करने के ऑप्शन है वो आ जाते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर ये सर्टिफिकेट है डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको भाषा है उसको सिलेक्शन करना रहेगा। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप ये सर्टिफिकेट है बनाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा पढ़िए के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रतिज्ञा पढ़िए के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपने जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उस लैंग्वेज के अंदर एक प्लेज है वो आपके सामने स्टार्ट हो जाती है। उसको आपको यहाँ पे रीड करना है। रीड करने बाद में आपको जो भी प्लेज आपने ली है इसको आपको यहाँ पर अमल करना है। करप्शन के खिलाफ आपकी जो लड़ाई है वो आपको यहाँ पे लड़नी है। सिंपली इसको रीड करने बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में कहाँ पर पता चला। तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जहाँ पर भी आपको इसके बारे में पता चला इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है बनकर रेडी हो जाता है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको जो भी आपने प्रतिज्ञा ली थी उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस तरह से आप ये जो सर्टिफिकेट है इसको आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, इसको अपने मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसका जो प्रिंट है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आपका जो एलपीजी का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों, एलपीजी सर्टिफिकेट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना सर्टिफिकेट बना सके। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।